हाय गाइज, इस टॉपिक के अंदर अपन पढ़ेंगे रासायनिक सूत्र। तो फ्रेंड्स, जो रासायनिक सूत्र हैं केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट जो प्रैक्टिकल करते हैं लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में, तो वहाँ पर अधिकतर काम आती है और दैनिक जीवन में भी ये बहुत ज़रूरी है और हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है सामान्य विज्ञान का। तो इनको याद रखना ज़रूरी है, यानी कि आप नॉर्मल बेसिक फाउंडेशन यहाँ के क्वेश्चन अवश्य आना चाहिए। तो बताते हैं कि साधारण जो नमक है उसका जो रासायनिक सूत्र है NaCl, यानी कि NaCl, ध्यान रखना है कि NaCl किसका सूत्र है, साधारण नमक। बेकिंग सोडा NaHCO3, ध्यान रखना NaHCO3 का सूत्र है। डॉन सोडा का Na2CO3 10H2O। तो आपको ध्यान रखना है कि डॉन सोडा में कितने जल के अणु होते हैं, 10 जल के अणु होते हैं, और कितने सोडियम के, 2, CO3 2 3। तो कास्टिक सोडा की बात कर रहे हैं तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिटकरी देखो कितना बड़ा सूत्र है, हर एग्जाम में यहाँ से आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिटकरी K2SO4, यानी कि ऑक्सीजन 4 है, पोटेशियम 2 है, एल्यूमिनियम 2 है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, और 24 जल के अणु है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। लाल दवा की बात करें तो KMnO4, देखो लाल दवा भी यूज होती है, लाल दवाई होती है। कास्टिक पोटास की बात करें तो इसका फॉर्मूला है कास्टिक पोटास का KOH, अधिकतर खेतों में फार्मिंग में काम आता है। चूने का पानी की बात करें तो कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड, यानी कि एक बिना बुझा हुआ चूना और एक बुझा हुआ चूना होता है, तो चूने का जो पानी है ये बुझा हुआ चूना है, तो इसका सूत्र है Ca, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड। जिप्सम की बात कर रहे हैं तो कैल्शियम सल्फेट 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसका सूत्र है कैल्शियम सल्फेट और आधा जल का अणु है। चौक की बात कर रहे हैं, चौक सामान्य भाषा में देखे होगे आपने जो लिखते हैं ना बोर्ड पे, तो चौक कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर की बात कर रहे हैं तो चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट सेम रहेगा, और संगमरमर तीनों एक जैसा सूत्र है। नौसादर, तो नौसादर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो अपने, और देखते हैं लाफिंग गैस N2O, यानी कि हंसने वाली गैस। गैलेना की बात कर रहे हैं तो सेलोमेन में अधिकतर काम आता है गैलेना PbS। सफ़ेद लेड, यानी कि सफ़ेद लेड, सफ़ेद Pb जो होता है तो उसका सूत्र है 2PbCO3 Pb2OH, ध्यान रखना ना। नमक का अम्ल है HCl, तो जो नमक होता है उसका अम्ल है सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये कहाँ पर पाया जाता है, आमाशय के अंदर, शरीर में। अम्लराज कैसे बनते हैं, अम्लराज तो अमोनियम नाइट्रिक अम्ल प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, दोनों को अनुपात होना चाहिए 1:3, तो इस तरह से अम्लराज बनता है। शुष्क बर्फ बोलते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हॉर्न सिल्वर की बात करें तो सिल्वर क्लोराइड को ही हॉर्न सिल्वर बोलते हैं। भारी जल तो D2O। प्रोड्यूसर गैस की बात करें तो प्रोड्यूसर गैस है CO+N2। प्रोड्यूसर CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। मार्स गैस की बात करें तो दलदल में, समुद्री इलाकों में पाई जाती है, तो CH4 इसका। सिरका की बात करें तो सिरका CH3COOH, ध्यान रखना फ्रेंड्स, सिरका, जब जब भी सिरका सिरका आ जाता है नाम, तो इसका क्या नाम है, सिरका। एल्कोहल की बात करें तो C2H5OH, ठीक है फ्रेंड्स। चीनी की बात करें तो C12 H5OH11, तो ये चीनी का, ठीक है फ्रेंड्स, चीनी का। आगे बढ़ते हैं, ये है कि जो बेंजीन है तो बेंजीन का सूत्र है C6H5, यानी कि 6 कार्बन के अणु और 6 हाइड्रोजन के अणु। यूरिया की बात करते हैं तो बहुत सीधा है, हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है NH2CO NH2। चीनी C12H22O11। देखो चीनी की बात करें, देखो चीनी में C12 पाया जाता है, H22O11। एल्कोहल की बात कर रहे हैं तो C2H5OH है ना, एथिल एल्कोहल। CH3COOH किसका है, सिरका का। मार्स गैस पढ़ लिया है, प्रोड्यूसर गैस बारे जल। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और मैं बनाता रहता हूँ ऐसी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।